बारिश हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है हिल रोड मार्केट से रिलेटेड। कुछ दिन पहले मैं हिल रोड मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए, बट मेरे साथ हुआ ये कि मैं जैसे ही मार्केट में पहुंची इतनी खतरनाक बारिश हुई, ओ गॉड, मतलब मेरे लिए ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। आपको पता मैं अकेली गई थी, एक तो साथ में कैमरा होल्ड करना, छाता होल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं की, मैंने डायरेक्ट शॉपिंग की। सोचा कि घर जाने के बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी कि आपको मानसून में किस टाइप का कलेक्शन मिलता है बांद्रा हिल रोड मार्केट में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने हिल रोड मार्केट से क्या क्या शॉपिंग की है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ज्वेलरी की, मैंने ज्वेलरी में क्या क्या शॉपिंग की है। ओके, तो मैंने ज्वेलरी में सबसे पहले लिया था ये बंजारा कड़ा, आप देखो बहुत ही खूबसूरत है एंड इसमें जो डिजाइन बना रखी है वो भी बहुत ही प्यारी है। ये मैंने लिया था जस्ट 100 रुपीज में, जो कि काफी अच्छी डील थी यार, 100 रुपए में क्या रहता है आज के टाइम पे। एंड अगर आप इस टाइप का ऑनलाइन चेकआउट करोगे तो आपको 300 या 400 रुपए देखने को मिलेंगे, बट यस ये मैंने जस्ट 100 रुपए में लिया था। अगर आपको भी इस टाइप की ज्वेलरी चाहिए तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी हिल रोड मार्केट जाओ तो आप लोग जंबो किंग के पास जरूर जाना, उसके बाहर यू नो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, एक अंकल थे जिनके पास में काफी अच्छी ज्वेलरी थी, यू नो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, काफी अच्छा कलेक्शन था उनके पास में एंड साथ में जो प्राइसेस थी वो रीजनेबल थी, मुझे ओवर प्राइस बिल्कुल भी नहीं लगी, बट ये बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत बोलना। इसके बाद मैंने लिया था ये लॉन्ग नेकलेस, एक सेकेंड यार क्या हो गया इसके, हाँ ओके तो इस टाइम से आप देख रहे हो ये यार ये घूमी घूमी क्यों कर रहा है। ओके यस यस अभी तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही प्यारा है, आप देख रहे हैं लेयर में ये दे रखी इसकी डिजाइन, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड इस टाइप की ज्वेलरी अगर आप लोग नो ब्लैक कुर्ती इन पे अगर आप पहनते हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगेन ये भी मैंने 100 रुपीज में लिया था, ये भी मैंने उन्हीं अंकल के पास में लिया था जो जंबो किंग के जस्ट बाहर लगाते हैं नो। एंड इसके बाद में ये लिया था मैंने एक एंकलेट, ये मैंने 50 रुपीज में ली थी। ये आपको यू नो आप जब मार्केट में जाओगे तो जो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं यू नो एक लकड़ी से लेके घूमते हैं जिनके पास में इस टाइप की आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, ये मैंने लिया था 50 रुपीज में, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं की थी उन्होंने, यू नो फिक्स प्राइस थी उनकी। तो ये ज्वेलरी में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, जस्ट ये 3 ही चीज़ें ली थी। इसके बाद में मैंने लिया था ये सन ग्लास जो कि बहुत ही प्यारा है, आप देख रहे हो इस टाइप से, अगर आप चाहो तो कलरफुल भी ले सकते हो, बट मेरे फेस पे कलरफुल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते इसलिए मैंने ये ब्लैक वाला लिया जो कि काफ़ी प्यारा लिटरली। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको देख लोगे जब मैं घूमने जाऊंगी तब। एंड ये मैंने लिया था 150 रुपीज में, आपको काफी अच्छे अच्छे सनग्लासेस वहां पे देखने को मिल जाएंगे, बट यस मुझे ब्लैक कलर मेरे फेस पे ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने ब्लैक ही लिया था। इसके बाद मैंने लिया था ये लेदर का जो वेस्ट बेल्ट आता है इस टाइप से, आप देख लो काफी अच्छी इस पे डिजाइन बना रखी है एंड इस टाइप से आप डेली इसको यूज कर सकते हो। ये 200 का था एंड एक्चुअली इसके 300 मुझे बोले थे, बट बार्गेनिंग करने के बाद में उन्होंने मुझे जस्ट 200 में दिया था, बट ये इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड अगेन ये भी आप ऑनलाइन चेकआउट करोगे तो आई थिंक काफ़ी कॉस्टली देखने को मिलता है, मैंने एक दो बार देखा था अमेजोन पे इसलिए मैंने वहाँ से यू नो परचेज नहीं किया था, मैंने यही था माइंड में कि कभी ऑफलाइन में ले लूँगी। तो यस ये भी बहुत ही प्यारा बेल्ट है, यू नो काफ़ी ड्रेसेस में चल जाता है इस टाइप का बेल्ट। ओके तो इसके बाद में मैंने लिए हैं इस टाइप से टोटे बैग जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एंड मैं जब लास्ट टाइम इस मार्केट में गई थी तब भी मैंने टोटे बैग लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक अभी आपको आई बटन पे पॉपअप हो रहा है, तो इस वीडियो के बाद में वो वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना। ओके तो इस टाइप से आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा ऐसे वाइट कलर का है, साथ में से आप देख रहे हो ऐसे ब्लैक कलर में से कार्टून से बने हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं एंड साथ में आपको पता है इस टोटे बैग में इस टाइप की जिप भी आ रही है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जिप है एंड ये तो छोड़ो इसके अलावा देखो आप वो तो इसमें जो यू नो सीक्रेट पॉकेट्स होते हैं जो कैश वगैरह रखने के लिए वो भी दे रखा है एंड इस पॉकेट के साथ भी इन्होंने ये जिप दे रखी है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। मतलब इस टाइप का टोटे बैग मिल जाए हिल रोड मार्केट में और क्या चाहिए मुंबई वालों को, सच में बहुत ही अच्छा है एंड साथ में इसमें आप देख रहे हो इसे बाहर भी बॉटल होल्डर दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लगा। एंड मुझे इस मार्केट की सबसे अच्छी बात ये लगती है आप कभी भी चले जाओ आपको नया कलेक्शन मिलता है, बिल्कुल भी पुराना स्टॉक नहीं मिलता इस मार्केट में जो कि सबसे अच्छी बात है। इसके बाद मैंने जो लिया था वो भी बहुत ही प्यारा है, सच में यार ऐसे कलरफुल सा है एंड आप मुझे जरूर बताना कॉमेंट करके कि इस पे जो ये फ्रेम बना हुआ है जो सीन बना हुआ है कौन सी मूवी का सीन है ये, क्योंकि ये मूवी मेरी फेवरेट है, मैं कितनी भी बार देख लूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं भरता है। तो किस किस ने ये मूवी देख रखी है ये मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, कितना प्यारा फ्रेम दे रखा है यार इस पे, साथ में इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगेन इसमें भी जिप दे रखी है
आप देख लो इसकी जिप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट यस इसकी भी अगेन 150 रुपीज इसकी प्राइस थी। आप देख लो इसकी जिप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट यस ये बैग बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और इसके अंदर भी आप देख लो ये जो पॉकेट है वो दे रखा है एंड साथ में जिप दे रखी है। पर इस जो बैग है उसके अंदर का जो ये दे रखा है ना, पता नहीं कपड़ा दे रखा क्या दे रखा है, इसकी क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है। इस क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी थी, बट सुंदर ये लग रहा है ज़्यादा देखने में। आप दोनों सॉरी आपको कौन सा लगा दोनों में से अच्छा वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो इस टाइप से ही मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ली थी, अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ड्रेसेस जो कि मैंने मार्केट से ली है। ओके, तो मैंने ड्रेसेस भी सबसे पहले लिया था ये क्रॉप टॉप जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। एंड इस टाइप का क्रॉप टॉप आपको मिलो जारा एंड H&M में देखने को मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा है। साथ में मुझे इसकी नेक लाइन है वो बहुत प्यारी लगी। एंड सबसे अच्छा मुझे ये लगा देखो इसे फ्रंट में इन्होंने स्ट्रिंग दे रखी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। एंड ये मैंने लिया था जस्ट 200 रुपीज़ में। आपको इस टाइप के क्रॉप टॉप्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा मार्केट में, बट इस पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें यू नो कोई ब्रांड का लोगो नहीं दे रखा है, ना ही कोई साइज मेंशन कर रखी है। तो आप जब भी लाओ तो अपनी साइज है वो जरूर चेकअप कर लेना। एंड आपको क्रॉप टॉप बहुत सारी शॉप पे देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, जैसे आप मार्केट में जाओगे जहाँ से आप एंट्री करोगे मार्केट में वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं क्रॉप टॉप। तो ओके ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इसके बाद भी मैंने लिया था ये पेंसिल स्कर्ट, बट ये स्कर्ट सुंदर तो बहुत लगा बट मुझे ये अच्छे से फिट नहीं आया है। आप देख लो ट्राई ऑन में इस टाइप से, एक्चुअली इसमें साइज भी मेंशन कर रखी थी मीडियम साइज, बट ये मुझे परफेक्ट फिट नहीं आया है। एंड इसमें इस टाइप से पीछे जिप दे रखी है एंड आगे इन्होंने दो स्लिट दे रखे हैं, बहुत प्यारा है स्कर्ट। ये मैंने लिया था 150 रुपीज़ में, बट इसमें ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे अच्छे से परफेक्ट फिट नहीं आया है। आप देख रहे थे ओवर साइज टी शर्ट के साथ में मैंने इसको वियर किया है, बट ठीक है पहन लेंगे भी क्या कर सकते, या तो ऑर्डर करवाना पड़ेगा। बट ये स्कर्ट मुझे अगेन बहुत ही प्यारा लगा। एंड इसके बाद में जो मैंने लिया है एक सेकेंड ओके इसके बाद में मैंने लिया है एक ये सिंपल सा टॉप, क्योंकि ऐसे कई बार यू नो छोटे मोटे काम के लिए बाहर जाना होता है तो इस टाइप के जो टॉप है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, साथ में कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस टाइप से आप देख लो इसे दो तीन कलर दे रखे हैं ना, ऑरेंज कलर ये। एंड ये मैंने लिया था 200 रुपीज़ में। मुझे सबसे अच्छा मुझे इसकी एक तो स्लीव अच्छी लगी, एंड आप देख लो इसे फ्रंट में इन्होंने से ये जो पर्ल वाले बटन होते हैं वो दे रखे हैं। एंड इसमें कोई ब्रांड मेंशन नहीं कर रखी, बस मीडियम साइज दे रखा था, साइज है वो मुझे एकदम परफेक्ट फिट आई है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये मैंने लिया था जस्ट 200 रुपीज़ में। इसके बाद में जो मैंने लिया था वो है एक बॉटम जो कि थोड़ा सा यू नो डिफरेंट डिजाइन में मुझे मिला इस बार। आप देख रहे हो दो तीन स्टाइल में दे रखा है, नीचे इन्होंने इस टाइप से इलास्टिक दे रखा है, एंड आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने एक पॉकेट दे रखा है, पॉकेट में जिप दे रखी है जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड साथ में आप देख रहे हो एक पैर पे से डिजाइन बना रखी है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इस टाइप के बॉटम आप टी शर्ट के साथ पहन सकते हो, या फिर अगर आपको कुर्ती के साथ पहनना है तो आप कुर्ती के साथ भी पहन सकते हो। आप देख रहे हो बैक में इन्होंने से इलास्टिक दे रखा है, इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने लिया था 400 रुपीज़ में, यू नो 600 बोले थे बट बार्गेनिंग करने के बाद में मुझे ये 400 में मिला। मैंने इस टाइप का कभी बॉटम नहीं पहना था बट इस बार ये मुझे मिला, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखते हैं कब इसको यू नो इसका कब मुहूर्त निकलता है, कब मैं पहन पाती हूँ। इसके बाद में जो मैंने लिया है वो है ये ए लाइन की ड्रेस। ये ड्रेस सुंदर तो बहुत है बट इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो फैब्रिक है इतना कुछ खास नहीं है ना, पॉलिस्टर फैब्रिक, आई थिंक एक या दो बार पहनने के बाद में ये फट फट जाएगा। बट ये ड्रेस बहुत प्यारी है, ये मैंने ली थी 350 रुपीज़ में। ड्रेस 350 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, बट ये एक या दो बार पहनने के बाद में इसका कपड़ा पता नहीं कहाँ जाएगा। इसके बाद में ली थी मैंने ये डेनिम की जींस, ये मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। आप देख रहे हो फ्रंट में इन्होंने बटन दे रखे हैं एंड ये जो आगे पॉकेट्स दे रखी है ये भी काफ़ी सुंदर लगी है। एंड आप देख रहे हो पीछे भी पॉकेट्स दे रखे हैं। ये वाली जींस ली थी मैंने 600 रुपीज़ में, जो कि मुझे साइज है वो थोड़े से लूज है, यू नो वेस्ट में भी लूज है एंड लेंथ है इसकी थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा ऑल्टर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज जींस काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अगर आप लोगों को जींस चाहिए तो अभी मार्केट में काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रहा है, आप लोग विजिट कर सकते हैं मार्केट में। तो ये अगेन ये मुझे जींस काफ़ी अच्छी लगी। इसके बाद में जो मैंने लिया था वो है ये फ्लैट स्लीपर्स, थोड़े से गंदी हो रखी तो इसलिए मैंने साइड में रख दी थी। आप देख लो इस टाइप से ये भी बहुत ही प्यारी है, ये मैंने ली थी 150 रुपीज़ में। आपको फुटवेयर तो काफ़ी मिल जाएगी अच्छी। एक्चुअली मैं ना फर्स्ट टाइम जब मार्केट गई थी लिंकिंग रोड, वहाँ से मैंने एक चप्पल ली थी, इतनी अच्छी निकली, मैं अभी तक उसको पहन रही हूँ। मुझे जब से समझ में नहीं आता मैं कौन से स्लीपर्स पहनूँ तो मैं वही पहनती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी। ऑलराइट गाइस, तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और अभी तक चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ आप लोग भी। एंड अभी हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। मैं देखो चप्पल के हाथ से कुछ